तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि फाइनेंस वाले ईएमआई कैसे निकालते हैं। आपको अगर ईएमआई पे बाइक परचेज करना है तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फाइनेंसर वाले आपसे कहाँ पे पैसा लूटते हैं और कहाँ पे आपका पैसा बचाते हैं, शोरूम वाले आपका पैसा कहाँ पे खा जाते हैं। तो आप समझ ही नहीं पाते हो यार कि पैसा मेरा एक्स्ट्रा कितना जा रहा है। उन्होंने तो बस आपको आरओआई बता दी और आपने कैलकुलेट कर लिया कि यार अगर एक साल का कराऊंगा तो 18,000 रुपये महंगी, दो साल का कराऊंगा तो 24,000 रुपये महंगी। लेकिन ये महंगी एक्चुअल में कितनी पड़नी चाहिए, आज के वीडियो में आपको मैं एक्चुअल डिटेल देने वाला हूँ। मैंने खुद का बाइक परचेज किया था और मैंने सारी चीजें जो एक्सपीरियंस मैंने की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरे पास कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने एक भी डॉक्यूमेंट छोड़े नहीं, ना तो फाइनेंसर का और ना ही शोरूम का। इसमें मैंने सब कुछ बताया आपको। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक से फाइनेंस कराया था अपनी बाइक को और आगे जो है लोन अप्रूवल लेटर भी लिया मैंने और डिसबर्समेंट लेटर भी लिया, जिससे क्या हुआ कि मुझे A to Z सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि ROI कितना लगा है, फाइल चार्जेस कितना होगा, और फाइल चार्जेस के नाम पे तो शोरूम वाले और बैंकर वालों ने लूट मचा रखी है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आप समझ नहीं पाते हो। अगर आपके पास एक्चुअल में थोड़ा नॉलेज है तो आपको कोई भी लूट नहीं सकता है भाई। तो आज की इस वीडियो में आप यही जानोगे। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, अगर आपको पसंद है तो यार लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के मैं लाता रहूं और आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई मैंने जब बाइक खरीदी थी, मैंने स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक OBD2 BS6 वाला फेज 2 वाला वर्जन जब लॉन्च हुआ था तब मैंने परचेज किया था और ये अप्रैल 2023 में आया था। यहाँ पे देखिए स्प्लेंडर प्लस i3S वाली मैंने परचेज किया था OBD2 वाला। एक्सोरूम प्राइस 74,801 रुपये है और ऑन रोड यहाँ पे 90,189 रुपये है, जिसमें एक्सेसरीज नहीं है। उसके अलावा क्या क्या लगा हुआ है तो देखो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, एक्सोरूम प्राइस है, स्मार्ट कार्ड है यानी RC का पैसा है, उसके बाद इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, टोटल हो गया। फिर इसमें लॉजिस्टिक लगा हुआ है। अब लॉजिस्टिक क्या होता है, कंपनी गाड़ी का आने जाने का खर्चा लेती है, एक तरीके से सर्विस चार्ज हो जाता है जो हर कंपनियां लगाती हैं भाई, देना पड़ता है। उसके अलावा हेलमेट हो गया और यहाँ पे गुड लाइफ हो गया, इनका एक कार्ड बनता है जिसमें कई सारे बेनिफिट भी होते हैं और बेनिफिट नहीं भी होते हैं भाई। कुछ लोग परचेज करते हैं, कुछ लोग परचेज नहीं करते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसको मैंने परचेज किया कि नहीं किया। और यहाँ पे 90,189 रुपये यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें से यहाँ पे 1,240 रुपये का जो है एक्सेसरीज इसमें ऐड नहीं है, ये अलग से लेना पड़ता है। उसके अलावा जब आप फाइनेंस कराते हो कोई भी व्हीकल तो आपको दिल्ली में 500 रुपये का हाइपोथिकेशन चार्ज देना पड़ता है, यानी RTO में फाइनेंस का पैसा लगता है 500 रुपये, वो आपको देना पड़ता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने 500 रुपये का चार्जेस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने नो हाइपोथिकेशन वाली स्कीम परचेज की, जिसमें क्या होता है कि फाइनेंस वाले का नाम RC में नहीं चढ़ता। वैसे तो गाड़ी आपकी फाइनेंस होती है लेकिन फाइनेंस में आपका नाम नहीं चढ़ेगा RC में, जिससे RTO में आपकी गाड़ी कैश रहेगी। इन फ्यूचर आप गाड़ी को बेचना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैं 500 रुपये से बच गया। और IDFC में ऐसी स्कीम चलती रहती है कि आपको नो हाइपोथिकेशन की स्कीम मिल जाती है। तो यहाँ पे जब फाइनेंसर के पास मैं गया तो वहाँ पे मैंने सीधा बोला कि भाई मुझे नो हाइपोथिकेशन वाली स्कीम चाहिए जिसमें आपका नाम हमारी RC में नहीं चढ़ेगा, यानी बैंक का नाम RC में नहीं चढ़ेगा। अब फाइनेंसर ने क्या किया, 90,189 रुपये, ये देखो 90,189 और प्लस 1,240 रुपये, क्योंकि वो बनाएंगे टोटल पे, समझ रहे हो, 91,429 रुपये का, 91,429 रुपये का यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ मैं, आप समझते रहना, 91,429 रुपये का ऑन रोड प्राइस पे फाइनेंस करना शुरू किया। अब ये आप समझते जाना, आगे आपको हर एक डेटा पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जितने पे ऑन रोड प्राइस है फाइनेंसर वाले कभी भी उतने पे ही आपकी बाइक को लोन पे नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स फी होती है, कुछ फाइल चार्जेस होते हैं, तो करीब ये मान के चलो 2,500 से लेकर 3,000 या फिर 2,000 रुपये वो थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं। जैसे 91,000 है तो ये मान के चलो कि आपको 2,500 रुपये, करीब करीब 2,500 रुपये आपको बढ़ा के लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि जब वो EMI निकालेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट फी है फाइनेंस वाले की, फाइल चार्जेस है, वो आराम से निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
91,429 हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस, अब मैं बताऊं, जब फाइनेंस वाले का यहाँ पे मैंने डिसबर्समेंट मेमो मांगा तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ऑन रोड प्राइस क्या दिखाया, 94,500। अब ऐसा क्यों दिखाया मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा आगे। लेकिन अगर एक चीज बता दूं कि अगर आपका ऑन रोड प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर एक चीज तो आपको मांगना है, अगर आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो तो आपको ये चीजें जरूर मांगना है, फाइनेंसर से मांगना है। ये होता है टू व्हीलर डिसबर्समेंट मेमो वर्जन 10.1, ये तो इनका सॉफ्टवेयर का नाम है। बाकी डिसबर्समेंट आपको चाहिए चाहिए, तभी एक्चुअल में आप जान पाओगे कि आपका एक्चुअल में आरओआई क्या लगा है, आपकी फाइल चार्जेस क्या लगे हैं, आपका ऑन रोड प्राइस क्या है, आपका डाउन पेमेंट क्या है, कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। और आप उनसे मांगो जो फाइनेंस करे, ठीक है। अगर वो नहीं देता है तो आप समझ जाओ कि वहां पे कुछ उसने गड़बड़ कर रखा है और वो आपको नहीं दे रहा है, समझ गए। तो ये चीजें आपको समझ में रखनी है। तो करीब ये मान के चलो जैसे कि 91,500 हो रहे हैं, तो 2,250 जो है बढ़ा के चलेगा फाइनेंसर, आपको वहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपने फाइल चार्जेस को वहां पे ऐड कर रहा है। और अगर 2,250 से ज्यादा आपकी फाइल चार्जेस लग रहे हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ लोचा किया गया है। और जब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे लोचा है, अगर कोई कहता है कि भैया 5,000 फाइल चार्जेस हैं, कोई कह रहा है 6,000 फाइल चार्जेस हैं, तो वहां पे गड़बड़ आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं। और कैसे आप बचाओगे आगे मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप इन चीजों को समझ जाओ। सीधा सा मतलब है फाइनेंस होने के बाद में आपको ये अप्रूवल लेटर या फिर डिसबर्समेंट लेटर जो है वो फाइनेंसर वाले से मांगना है। और अगर वो नहीं देता है तो भाई आप गाड़ी छोड़ दो, आप गाड़ी ही मत लो वहां से, क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा पैसे खाए जा रहे हैं, समझ गए। अब एक्चुअल में आरओआई जो होती है वो अगर आपसे बता दी जाती है कि 8%, लेकिन वो लगा देते हैं कई बार 11%, 10%, आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको इन चीजों से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने नो हाइपोथिकेशन की स्कीम ली तो मेरी जो आरओआई पड़ी 8.49 की आरओआई यहाँ पे मुझे देनी पड़ी, ठीक है, ये देख लो 8.49। लेकिन अब ये जो है अगर आप नो हाइपोथिकेशन स्कीम लेते हो तो ये चला जाता है कहाँ पे, रिड्यूसिंग रेट पे। अब रिड्यूसिंग रेट क्या होता है, अगर 8.49 को अगर अगर दो से मल्टीप्लाई किया जाए, मैंने दो साल के लिए ईएमआई कराई, तो करीब ये मान के चलिए कि 17% का होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 0.60% का फायदा हुआ। यहाँ पे क्या लग रहा है, 16.40% मेरा लग रहा है दो सालों में ब्याज, समझ रहे हो। तो ये फायदा हो जाता है, आपको रिड्यूसिंग रेट मिल जाता है, जिससे आपके ईएमआई में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, यानी सस्ती पड़ जाती है थोड़ी बहुत। और जब आप ईएमआई कभी फुल करवाना चाहते हो, फुल पेड करवाना चाहते हो, तो वहां भी आपको फायदा होता है। अब यहाँ पे क्या निकाला, 94,500 इन्होंने ऑन रोड प्राइस लिया। और यहाँ पे जो मेरा लोन अमाउंट किया मेरी स्कीम के तहत, यानी स्कीम मतलब मेरे प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आधार अपना दिया, पैन दिया, अपने बैंक अकाउंट वगैरह दिए, तो उन्होंने सारी चीजों को वहां पे सिबिल वगैरह चेक किया। सिबिल वगैरह चेक करने के बाद मैंने कहा भाई मुझे अफोर्डेबल ईएमआई चाहिए और मेरा काम भी हो जाना चाहिए, और ये अगर ये मैं नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता, तो मैंने ये चीजें लिया वहां से। तो यहाँ पे उन्होंने जो मेरा लोन अमाउंट बनाया वो 66,120 बनाया। अब ये सारी चीजें कंप्यूटराइज होती हैं भाई, और कंप्यूटराइज में कोई गेम नहीं कर सकता, समझ रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो 66,120 ईएमआई निकाली। अब चार्जेस क्या क्या लगा है, देखो एक तो मेरा टेनर हो गया ये 24 महीने का, ये समझ लो, मैंने दो साल के लिए ईएमआई करवाई 24 महीने का, ये देखो। और मेरी जो ईएमआई अमाउंट आ गया वो आ गया 3,223 का, ये देखो 3,223 का ईएमआई अमाउंट आया, एक महीने में 3,223 मुझे पेड करना है, वो भी ऑनलाइन अपने आप कट जाएगा। जो मेरा एलटीबी हुआ, ये देखो जो ये एलटीबी है ना, ये होता लोन अमाउंट, ये कितना हुआ, ये कितने परसेंट मेरा आया, यानी लगभग 70% मेरा लोन हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इनके चार्जेस शुरू होते हैं, इसको समझने वाली बात है, जैसे कि ये ECS एंड अदर चार्जेस। अब ये क्या होता है, ECS इनका जेन्युइन चार्जेस होता है, जो कि यहाँ पे 650 एड है, तो ये भाई बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस है। उसके अलावा अगर आप कोई प्री ईएमआई अमाउंट लेते हैं, जैसे कि इन्होंने ईएमआई में क्या किया, डाउन पेमेंट में अगर ये एक किस्त जोड़ ली तो यहाँ पे एक किस्त इनकी जुटी रहेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कोई प्री अमाउंट वगैरह दिया नहीं तो यहाँ पे 0-0 है। और इसके बाद क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी लगती है इनकी, सारी चीजें समझो आप। स्टैंप जो ड्यूटी होती है वो जेन्युइन चार्जेस होते हैं, 169 का ये है। उसके बाद पीडीडी चार्जेस होते हैं। अब ये पीडीडी चार्जेस क्या है एक्चुअल में पता है,
जैसे कि मैंने आपको रेट लिस्ट में दिखाया था 750 रुपये का पहले लॉजिस्टिक चार्जेस, ऐसे ही इनका ये सर्विस चार्जेस होता है वो 531 रुपये का होता है यहाँ पे, समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, 531 रुपये का चार्जेस होता है, जेन्युइन चार्जेस हैं। अब ये अगर तीनों जोड़ा जाए 1 2 3, ये कितना हुआ 1350 रुपये। अब आपसे पैसे खाए कहाँ जाते हैं आपको मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे एडमिन फी लिखा हुआ है, ये समझ रहे हो ना, एडमिन फी। अब ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से होते हैं, समझ गए। तो करीब ये जो जेन्युइन फाइल चार्ज निकल के आया मेरा कितना आया, 1350 रुपये। इन्होंने क्या किया था, पहले यहाँ पे इंश्योरेंस जोड़ दिया था, 800-800 रुपये का इंश्योरेंस जोड़ दिया था, जो कि इंश्योरेंस कस्टमर चाहे तो ले वरना कस्टमर चाहे तो ना ले, लेकिन इन्होंने 800 रुपये का यहाँ पे इंश्योरेंस जोड़ दिया था। वो पेपर मेरे पास नहीं है फिलहाल, वरना मैं दिखाता आपको। तो अब ये करीब क्या हो गया, 2000 रुपये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 2000 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, तब तो आप फाइनेंस कराओ गाड़ी उस बैंक से। और अगर 2000 रुपये से ऊपर चला जाए तो भाई बहुत ज्यादा लोचा है, आपको बहुत ज्यादा लफड़ा कर रहे हैं, चाहे शोरूम वाले हों या फिर बैंकर वाले हैं, और दोनों की मिली भगत हो सकती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो एडमिन जो फी है, अब इसमें क्या करते हैं पता है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। ये जो एडमिन फी होती है, इसमें एक तो जो बैंकर बैठते हैं जैसे कंपनी से फाइनेंसर, वो उनको इंश्योरेंस करते हैं, वो कोई कोई इंश्योरेंस 800 रुपये का होता है, कोई 1000 रुपये कर देता है, कस्टमर को पता भी नहीं चलता, कस्टमर को बताते भी नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, और ना बताते हैं तो कस्टमर को पता भी नहीं चलता और वो इंश्योरेंस कर देते हैं। अब कस्टमर को तो पता है ही नहीं और ना ही कंपनी बताती है, तो क्या होता है कि उनको तो कमीशन मिल जाता है लेकिन लॉस आपका हो जाता है। दूसरी चीज, शोरूम वाले क्या करते हैं, शोरूम वाले जो बैंकर बैठते हैं, बैंकर को क्या बिठाते हैं, फ्री में बिठाते हैं, समझ गए, फ्री में बैंकर को बिठाते हैं। अब उनको क्या होता है कि जो आपका लोन करते हैं ना, जैसे कि मान लो ये 66,120 का लोन बना, ये जो इंटरेस्ट लगाया, तो ये इनमें से शोरूम वालों को क्या चला जाता है, 1% 2% इनका पे आउट चला जाता है, यानी कमीशन चला जाता है, बाकी ये बैठने का पैसा इनको नहीं देते हैं, फ्री बैठाते हैं। तो शोरूम का फायदा यहां से होता है, इस लोन जितना ज्यादा का लोन होगा उसी पे 1% 1% 1.5% उनका जो है कमीशन चला जाता है, जितने भी केसेज होंगे बैंक की तरफ से, तो वो उनको फायदा हो जाता है। दूसरी तरफ शोरूम वाले क्या करते हैं कि बैंकर पे दबाव डालते हैं कि भाई जो तू करना है कर, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2050 या फिर 3050 ये पैसे मुझे एक्चुअल में यहाँ पे चाहिए, अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो ये मेरे को पैसा चाहिए, समझ रहे हो, तू कुछ भी कर हमें नहीं पता। तो ये अब देखो, ये 1350 रुपये तो जर्मन चार्जेस हो गए, बंदा 800 रुपये क्या जोड़ लिया, 800 रुपये अपने इंश्योरेंस के भी जोड़ लिया, क्योंकि तो भाई उसे भी सैलरी लेनी है, कमीशन थोड़ा बढ़ाना है, ये भी कस्टमर को नहीं पता। उसके बाद शोरूम वाले की मर्जी होती है कि भैया हम 2050 रुपये लेंगे ही लेंगे हर केस पे, समझ लो। अब क्या करे वो बंदा, या तो वो केस करेगा या तो भाई वो नहीं करेगा, तो इनकी भी मजबूरी होती है कि शोरूम वालों की बात माननी पड़ती है, जबकि बैंकर को इस पैसे में से एक भी पैसा नहीं मिलता, ये सच्चाई है। कहीं कहीं क्या होता है कि बैंकर को पैसा कमीशन पे मिलता है और कई शोरूम पे बैंकर को एक भी रुपया नहीं दिया जाता, वो अपने रिस्क पे काम करता है, और जब कोई अच्छा कस्टमर बैंकर से टकरा जाता है तब क्या होता है, शोरूम वाले हाथ खड़ा कर देते हैं, और फांसी किसको लगती है, बैंकर वालों को। कस्टमर किससे भिड़ता है, बैंकर वाले से, समझ गए। अब यहां पे देखो कितना पैसा एक्स्ट्रा गया, 800 रुपये ये हो गए, ठीक है, प्लस अगर 2050 रुपये ही ऐड किया तो कितने पैसे यहाँ पे फालतू लग गए, 2850 रुपये। सीधा सीधा कस्टमर का कितना लॉस हुआ, 3000 रुपये का लॉस हो गया, और 1350 रुपये का तो जर्मन चार्जेस होना, ये तो कोई बात ही नहीं भाई, 350 सॉरी 1350, 1350 रुपये जर्मन चार्ज बना। अब देखो मतलब कस्टमर अलग से 4200 पेड कर रहा है, समझ लो, बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है सारी चीजें, यहाँ पे आप पैसे को सेव करना है, समझ लो। ये चीजें मैंने आपको यहां तक समझाई, तो आपको ये चीजें जो है अच्छे से ध्यान देना है, और आपको ये डिसबर्समेंट मेमो, ये देखो ये जो डिसबर्समेंट मेमो है ये जरूर लेना है, तभी आप समझ पाओगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है,
ये तो जहां से मैंने बाइक फाइनेंस निकलवाया वो है, इसके बाद नो हाइपोथिकेशन प्रोडक्ट, यानी मैंने जो है गाड़ी पे आरसी का नाम नहीं चढ़ने दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये डिसबर्समेंट अमाउंट है, ये डिसबर्समेंट किसको जाएगा, ये डिसबर्समेंट जाएगा 64,770 रुपये शोरूम वालों को, समझ गए, ये जाएगा शोरूम वालों को, इतना पैसा शोरूम वालों को जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे जो आपका लोन अमाउंट बना था ये बना था 66,120 रुपये। अब यहां पे आते हैं और यहाँ पे टोटल चार्जेस कितना आया, 1,350 रुपये। अब यहां पे देखो आप, 66,120 माइनस 1,350 कितना आया, 64,770 रुपये, क्योंकि बैंक अपना क्या किया, जेन्युइन चार्जेस काट लिया यहाँ पे, और 64,770 रुपये किसको पेड कर दिया, ये पेड कर दिया किसको, शोरूम वाले को। जब आपका लोन हो गया, शोरूम वाले को इतना पैसा पेड कर दिया। अब डाउन पेमेंट यहाँ पे आ जाती है, बट डाउन पेमेंट तो देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट टोटल कितना निकला, 29,730 रुपये। कैसे निकला, क्योंकि तो आपकी गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी, 94,500, उन्होंने जोड़ा था फाइनेंस वालों ने 94,500, ठीक है। अब इसके बाद माइनस हो गया, 66,120 का लोन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1,350 रुपये का फाइल चार्जेस हो गए, जो मैंने आपको बताया अभी समझाया, तो क्या हो गया 29,730 रुपये, और यही 29,730 रुपये यहाँ पे क्या है, आपका डाउन पेमेंट है, समझना अच्छे से, ये डाउन पेमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गई हो तो प्लीज यार कमेंट करना। अब आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो जो डिसबर्समेंट लेटर था वो मैंने अपने नॉलेज के लिए लिया था, लेकिन ये है भाई लोन अप्रूवल लेटर। अब बैंक ने क्या कर दिया, आपका लोन वेरीफाई कर दिया और एक लेटर आपको थमा दिया, और जब आप मांगोगे तभी मिलेगा भाई, आपको ऐसे तो देंगे ही नहीं, क्योंकि तो उनको तो पैसा लूटना है, उनको पैसा खाना है, तो आपको क्यों देंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ है, असिस्ट यानी 94,500 की गाड़ी है, 66,120 लोन अमाउंट है, ये डाउन पेमेंट है और ये डिसबर्स अमाउंट है, ताकि ये क्या होगा, ये शोरूम को, ये जो है पूरा शोरूम के पास जमा हो जाता है, और शोरूम के पास एक रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई आपने फला नाम के बंदे को केस किया था, जिससे आपका डाउन पेमेंट तो इतना जमा करवा दिया और ये पैसा मुझे चाहिए, समझ गए। तो ये लोन अप्रूवल लेटर हो जाता है, तो ये आपको मिल जाता है अगर आप मांगोगे तो, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। अब देखो उसके बाद आप आ जाओ सीधे कहाँ पे, शोरूम के पास में, यानी आपने फाइनेंस वाले से बात कर लिया, फाइनेंस वाले ने आपका सब काम कर दिया, ठीक है, आपसे आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, सब कुछ कर लिया। आप ये मत घबराओ कि आपका लोन हो गया है, बिल्कुल लोन नहीं हुआ है। जब तक आप गाड़ी परचेज नहीं करोगे, आपके नाम से बिल नहीं बनेगा, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको घबराने वाली बात ही नहीं है कि आपका लोन हो गया है या आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी। आप टेंशन मत लेना, वहां से कुछ भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल 1% टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई डराए, धमकाए या फिर कुछ भी बोले, आप परेशान मत हो, क्योंकि जब तक आपका गाड़ी का बिल नहीं बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपका क्या होगा कि आपका लोन हुआ ही नहीं है भाई। क्योंकि फाइनेंस वाले को अगर उनको अप्रूवल तरीके से देना है और शोरूम में पैसा मंगाने के लिए बिल और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के पेपर जाते हैं, तभी वो शोरूम वाले को पैसा भेजता है, ऐसे वो भेजेगा नहीं, तो आपने गाड़ी लिया ही नहीं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब आओगे तो ऐसा नहीं है कि शोरूम वाले डीओ नहीं बनाते हैं, शोरूम वाले अपना अलग डीओ बनाते हैं और फाइनेंस वाले अपना अलग डीओ बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी हो जाती है। अब शोरूम वाले ने क्या किया, यहाँ पे देखो डीओ बनाया, एक डिलीवरी ऑर्डर बनाया जहां पे मेरा नाम है, ये फलाना गाड़ी है। अब 90,189 रुपये क्या था, ऑन रोड प्राइस, समझ गए तरीके से समझना, 90,189 रुपये ऑन रोड प्राइस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, -299, -1100, -1500, ये समझ गए क्या चीज है, ये समझे आप, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, हेलमेट, गुड लाइफ, ओके। तो मैंने क्या किया, ये जो हेलमेट है ये मैंने भैया नहीं लिया, ये जो गुड लाइफ है ये मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, तो शोरूम वाले बड़ी चिक चिक करते हैं भाई, वो आपको क्या बोलेंगे, ये नेसेसरी है, ये आरटीओ से आदेश है, ये लेना पड़ता है, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं बेचेंगे, और ये गुड लाइफ आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा आपके पास बोलेंगे, समझ लो। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बेझिझक बात करना है, भैया मेरे को गाड़ी नहीं लेना है तो नहीं लेना है, जो ये चीजें
क्या कहते हैं नहीं लेना है गाड़ी के साथ में, समझ गए? तो आपको ये चीजें नहीं लेना है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अगर वो गाड़ी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो 1700 में भाई। लेकिन अगर आपका सिविल ही खराब है तो आप सोच रहे हो यार थोड़ा बहुत ज्यादा सिविल खराब है यार, हमें क्यों टेंशन बांधना है, तो पैसे फूकना है तो फूक दो, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन भैया मैं क्यों लूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 हेलमेट पड़े हैं घर में, तो मैं क्यों लूंगा? मुझे इस गुड लाइफ कार्ड से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो गुड लाइफ कार्ड है, कोई कोई शोरूम ऐसा होता है कि जो आपको एक्चुअल में गिफ्ट प्रोवाइड करता है, इसके बदले कोई आपको सर्विस सेंटर में कूपन देता है, वरना बहुत ना चाहते हैं। ये चीज मैंने पहले से समझ रखी थी, तो ये मैंने नहीं लिया। और आपको भी मैं प्रिफेयर ये करता हूँ कि आप इसको कभी भी गुड लाइफ कार्ड को परचेज मत करो, ये बेकार की चीज है। उसके अलावा ये 1500 में क्या है, जब मैंने बाइक परचेज किया था उस समय ऑफर चल रहा था 1500 डिस्काउंट का, तो भैया शोरूम वालों ने बोला अगर आप ये नहीं लोगे ये भी नहीं लोगे तो हम 1500 डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे यार, समझ लो, क्योंकि उनको भी अपना क्या कहते हैं बेचना होता है गाड़ी, उनको भी जो है इंसेंटिव मिलता है। और मैनेजर भी आपसे ही बोलेगा, अगर कहीं जाओगे तो मैनेजर भी आपसे ही बोलेगा। तो आपको समझना है कि भैया देखो आपको बोलना है भैया देना है दो, नहीं देना मत दो, वरना कोई नहीं हम दूसरे शोरूम पे चले जाएंगे। तो भैया बड़ा चिकचिकबाजी हुआ, लेकिन ये 1500 भी मैं माइनस करा ले गया, समझ रहे हो? अब माइनस कराने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना बचा, 87,290 रुपये। ठीक, अब देखो ये वाला है इंश्योरेंस, यहाँ पे देखो 6754 रुपये, ये क्या है, ये है इंश्योरेंस, यहाँ पे देखो है ना इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस क्या करता था कि मैंने भैया मैंने इंश्योरेंस करता हूं तो मैं खुद ही इंश्योरेंस करूंगा। अब देखो इंश्योरेंस में कई सारे बेनिफिट होते हैं, अगर आप नहीं जानते इंश्योरेंस के बारे में तो मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो डिस्कशन बॉक्स में, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को प्ले कर लेना, आपको ये पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस में एक्चुअल चीज होता क्या क्या है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे अगर इंश्योरेंस के बारे में बताने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने कहा ये नहीं करूंगा। अब वो भाई बंदा पूरी तरीके से मतलब परेशान हो गया, कह रहा कि भाई इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना, क्योंकि भाई उसको इंश्योरेंस में भी कमीशन मिलता है और उसके बाद अच्छा खासा कमीशन मिलता है, तो इंश्योरेंस मतलब करीब मान के चलो 1.5 घंटे मैंने चिकचिकबाजी की तो मैंने इंश्योरेंस भी माइनस करवाया, तो मेरा अमाउंट कितना बना, 80,536 रुपये। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे इंश्योरेंस नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझ लो। इस इंश्योरेंस में वो क्या दे रहे थे मुझे, इस इंश्योरेंस में दे रहे थे ओनली एनडी कवर। एनडी कवर क्या होता है, नील डिप्रेसेशन कवर, यानी जीरो डेप कवर, यानी जब आप क्लेम करोगे एक्सीडेंटल क्लेम तो वहां पे आपका 95% या फिर 90% में क्लेम हो जाता है, तब भी आपको 10% पैसा फाइल चार्जेस के तौर पे या फिर देना ही पड़ता है, समझ गए? अब देखो पहले तो क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे डील हो गई, मेरी 80,536 रुपये पे बात हो गई, ये समझना 80,536 पे बात हो गई। फाइनेंस वाले का पैसा शोरूम को कितना आना था, 64,770 रुपये, डिसबर्समेंट मेमो, समझे ना, जो भी लोन अप्रूवल लेटर आपको दिखाया था, कौन सा मैं आपको दिखा दूं, ये देखो 64,770 रुपये शोरूम को आना था पैसा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेरे को ओके हो गया सारी चीजें, 64,770 रुपये मुझे शोरूम को बैंक वाले शोरूम को देंगे, ये तो पक्का पैसा आएगा। अब समझते हैं पहले इंश्योरेंस की बात, यहाँ पे इंश्योरेंस मैंने कितना माइनस कराया था, 6754 रुपये, समझ गए? अब 6754 रुपये माइनस हुआ तो मैंने खुद का इंश्योरेंस किया। अब खुद के इंश्योरेंस में क्या क्या फायदा लिया वो आप देख लो, खुद के इंश्योरेंस में मैंने फायदा ये लिया भाई कि देखो 5 साल का थर्ड पार्टी होता है और 1 साल का फर्स्ट पार्टी होता है। अब यहाँ पे मैंने फायदा क्या लिया, वो क्या देते मुझे, एनडी कवर, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, एनडी प्लस कवर, ये देखो एनडी प्लस कवर। अब ये जो अमाउंट है इसमें क्या होता है कि आपके 1 भी रुपये चार्ज देने नहीं पड़ेंगे, चाहे फाइल चार्जेस के तौर पे ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जीरो डेप प्लस कवर आपको मिलता है और एक होता है जीरो डेप कवर, तो यहाँ पे प्लस वाला कवर है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना, समझ रहे हो? फिर यहाँ पे इनवाइस प्रोटेक्टेड एड ऑन कवर, ये क्या होता है, RTI कवर, यानी रिटर्न टू इनवाइस कवर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इनवाइस बनेगा, यानी 80,536 रुपये का इनवाइस बनेगा मेरा, तो मुझे इंश्योरेंस में अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये 80,536 रुपये मुझे मिलेंगे, ना कि ये जो इंश्योरेंस पे वैल्यू लिखी हुई है ये मिलेंगे मुझे।
अगर यहाँ पे मैंने ये वाला कवर नहीं लिया होता तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलती जो इंश्योरेंस पे ऐड है, लेकिन मैंने ये वाला कवर लिया है तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो इनवाइस वाला वैल्यू मिलेगा जो इनवाइस के साथ में है। ये मेरा फर्स्ट पार्टी कंप्लीट हो गया और ये मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखो मैंने पैसे कितने बचाए, 5608 रुपए का मैंने इंश्योरेंस कर लिया, नेशनल का इंश्योरेंस है, 5608 रुपए कर लिया। अब यहाँ पे देखो कितने का इंश्योरेंस दे रहे थे मुझे, ये 6754 रुपए का, और मैंने किया 5608 रुपए का, यहाँ पे मैंने कितने पैसे बचा लिए, 1146 रुपए। कितने? 1146 रुपए। अब सोचो कि यार 1146 रुपए मैंने बचा लिए, उसके बाद ये इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसमें भी कमीशन मिल रहा है, तो सोचो एक इंश्योरेंस में कितना कमा रहे हैं, लगभग कमा रहे हैं 1500 रुपए से लेके और 1700 रुपए तक इंश्योरेंस में कमा रहे हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस ये नहीं देते हैं अपना खुद करने के लिए तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस जो है आप इनसे करवा सकते हो, क्योंकि भाई इतना डिस्काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा चिक चिक बाजी करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको कहता हूँ अगर ये नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हेलमेट वगैरह गुड लाइफ वगैरह आप हटवा देना, ये कोई काम की चीज नहीं है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो वो तो फाइनेंस का खेल था, फाइनेंस वाले की बात हटा दो, फाइनेंस वाले ने गाड़ी किया था 94,500 रुपए पे, लेकिन आप गाड़ी कहाँ से ले रहे हो, आप गाड़ी ले रहे हो शोरूम से, और शोरूम का रेट क्या निकला, 80,536 रुपए। कितना? यहाँ पे देखो 80,536 रुपए। इसमें से जो डिसबर्समेंट आएगा यानी जो फाइनेंस को शोरूम वाले को पैसा आएगा वह आएगा 64,770 रुपए। यहाँ पे देखिए अब ये क्या आया, 15,766 रुपए। डाउन पेमेंट कितना हुआ आपका, 15,766 रुपए आपको देने हैं, आप समझे 15,766 रुपए। अब यहां पे देखो यहां पे डाउन पेमेंट कितना दिखाया था फाइनेंसर ने, 29,730 रुपए। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ लोन अमाउंट से लेना देना है और डिसबर्समेंट से लेना देना है, इसके अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास ये डिसबर्समेंट है तो आप समझ जाओ आपका सब कुछ क्लियर है। और ये रहा लोन अमाउंट, इस लोन अमाउंट पे आपका ब्याज लगता है, जो 8.49 वाला परसेंट मैंने ब्याज बताया था ना 16.40 करके, वो ब्याज यहाँ पे ऐड करके तब ईएमआई निकलती है, समझ गए। तो आपको डिसबर्समेंट पता होना जरूरी है या फिर आपका लोन अमाउंट पता होना जरूरी है, तब आप एक्चुअल में डाउन पेमेंट वगैरह और ईएमआई वगैरह जो है और एक्चुअल जो पैसे हैं वो निकाल पाओगे। तो यहाँ पे 15,766 रुपए। अब देखो गाड़ी एक्चुअल में मेरी कितनी पड़ी, अगर देखा जाए तो 80,536 और प्लस 5608, तो यहाँ पे देखो 86,144। 5608 क्या है, इंश्योरेंस है, 86,144 रुपए। यहाँ पे देखो अब 86,144 की गाड़ी पड़ी, अब एक्चुअल गाड़ी मेरी कितनी है यहाँ आ रही थी, 90,189 रुपए विदाउट एक्सेसरीज, समझ लो कितना, 90,189 रुपए। अब यहाँ पे देखो आप 86,144 ठीक है माइनस 90,189, तो यहाँ पे क्या हुआ 4,045 रुपए, मैंने क्या बचाया 4,045 रुपए, ठीक है। प्लस आपको एक चीज और देखना है, यहाँ पे 4,045 रुपए मैंने वहां पे बचाया, प्लस ये देखो अगर आप समझदार नहीं हैं तो यहाँ पे क्या है आपसे 1,000 रुपए का क्या ऐड किया जाएगा, इंश्योरेंस बैंकर की तरफ से कम क्या ऐड किया जाएगा, 3,000 रुपए का फाइल चार्ज, तो 3,000 रुपए का यहाँ पे शोरूम वाले ऐड करवा देंगे, तो 100% ऐड करवाते हैं सर आप, मतलब नो डाउट। अगर आप ये, मैं बिल्कुल पुख्ते दावे के साथ कहता हूँ ये ऐड होता है, ये ऐड करवाते ही करवाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 4,045 और प्लस 4,000, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये माइनस ऑलरेडी माइनस था तो मैंने माइनस माइनस करके प्लस कर दिया, यहाँ पे 8,045 रुपए तो क्या लग गया, ये 8,045 रुपए मैंने बचा लिए, कितना बचाया 8,045 रुपए, समझ रहे हो। अगर
मैं थोड़ा सा समझदारी नहीं दिखाता तो क्या होता, ये 8,045 रुपये तो मेरे फालतू तो चले जाते। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है वो तो अलग ही जा रहा है, यानी मेरी 3,223 रुपये की, 3,223 रुपये की मेरी किस्त कितनी आ गई, 24 किस्त, ये देखना 77,352 रुपये ये मैं ईएमआई भरूंगा, यानी इंटरेस्ट के साथ में, और प्लस मेरा डाउन पेमेंट 15,766, ठीक है, प्लस 5,608, 98,726 रुपये की, 98,726 रुपये ये 98,726 रुपये मेरी जो है बाइक पड़ी, किसके साथ, लोन अमाउंट के साथ, ईएमआई के साथ, और ये डाउन पेमेंट मिला के, और यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा मिला के, तब मेरा 98,000 में गाड़ी पड़ी है भाई, समझ गए। और अगर अगर मैं एक बात बताऊँ कि अगर मैं ये 8,000 रुपये और जोड़ दूँ इसमें, 8,045 रुपये, ये देख लो गाड़ी कितने की पड़ जाती है, 1,06,771 रुपये, यानी 1,07,000 रुपये की पड़ जाती है मेरी गाड़ी। सोचो कितनी ज्यादा महंगी पड़ जाती है, आप खुद ही दिमाग लगा लो भाई। थोड़ा सा आपको अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में आ जाओगे भाई, और ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है, हर कोई आपको नहीं बताता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, मुझे जान के अच्छा लगेगा। मैंने बहुत मेहनत करके और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको ये चीजें मैंने शेयर किया है, ताकि आप लोग कभी भी जाओ फाइनेंस कराओ बाइक तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके पैसे जहां तक हो सकता है मैं बचा दूं, मेरा यही मानना है। अगर आपकी लाइफ में यार थोड़ा बहुत मैंने योगदान दिया है तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। बाकी आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले हर टाइम पे कुछ ना कुछ मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।